शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। और मेरा जो अदर साइड मूवमेंट का रिस्क है वो एक बहुत ही मिनिमाइज हो जाता है, एंड मेरा जो साइड है अप साइड या डाउन साइड जिधर मैं ट्रेड कर रहा हूँ वो मेरा पूरा ओपन है, बहुत ही लो रिस्क में मैं एक हाई गेन के ट्रेड इसमें बैठा सकता हूँ। इसके अलावा कई स्ट्रेटजीज भी होते हैं जो ट्रेड करते हैं, बट और हेजेस के लिए भी अच्छा है कि जहाँ पे लोग हेज भी कर सकते हैं इजीली। सो ऑप्शंस एंड ग्वारेक्स ये दोनों, और ऑप्शंस में अगर हम देखें तो अच्छा वॉल्यूम भी हो रहा है ग्वारेक्स ग्वार सीड के ऑप्शंस पे डेली, एंड डे बाय डे पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है एंड ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। सेम विद द ग्वारेक्स, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है एंड ट्रेड्स भी हो रहे हैं एंड बुक इज। और इसमें खास बात दोनों चीज में कि एंट्री एंड एग्जिट की दिक्कत ना आए, क्योंकि एक नए कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए हमने लिक्विडिटी स्कीम लाई है जिसके अंदर में मार्केट मेकर जो रखे हैं जो बुक प्रॉपर्ली मेंटेन कर रहे हैं, तो एंट्री एंड एग्जिट क्लाइंट्स दोनों ही किसी में दिक्कत नहीं आएगी, वो इजीली ट्रेड कर सकते हैं। थैंक यू सर। बिल्कुल, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए प्रितेश जी। प्रितेश जी, इस समय पर जो ग्लोबल सिनेरियो है उसमें निश्चित तौर के ऊपर जो ग्वार और ग्वार के जो कंपोनेंट्स हैं, मैक्सिमम हमारा हम देखते हैं कि ग्वार का जो प्राइस है वो इंटरनेशनल मार्केट ड्रिवन प्राइस है, और इंटरनेशनल ड्रिवन प्राइस होने के चलते हुए यहाँ पर रिस्क एपेटाइट्स जो हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं, काफी अच्छे इंक्रीज करते हैं। और जो आपने अभी अपने टूल्स बताए ग्वारेक्स इंडेक्सेस को लेकर के, इसमें भी क्या हेजिंग टूल्स अवेलेबल है, हेज कैसे कर सकते हैं इसको? जी सर, मैं करके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ग्वारेक्स है, अब मेरे पास सीड और गम है, मैं ऑलरेडी अगर हेज में हूँ और मुझे मार्केट मेरे दूसरे साइड लॉन्ग साइड प्राइसेस एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, एंड कई बार होता है कि क्लाइंट को एग्जिट करना पड़ जाता है क्योंकि वो एम टू एम पे नहीं कर पाता है, वो लिमिट होती है सबके फंड की, तो यहाँ पर वो ग्वारेक्स के अंदर में अपोजिट पोजिशन ले सकता है क्योंकि मूवमेंट वही रहेगा, तो काउंटर कहीं ना कहीं उसको थोड़ा मिल जाएगा कि जो उसके उधर लग रहे हैं पैसे एमटीएम में वो इधर से कहीं ना कहीं बैलेंस आउट हो सकते हैं, देन ही कैन एग्जिट वापस पोजीशन पे आ जाए, तो दैट इज वन थिंग। बाकी ऑप्शंस में अगर हम बात करें उस टूल में, तो अगर ऐसा है तो वहां पर हम आगे की जैसे हम कॉल बाय कर लें अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, एंड ऑन दैट ऑल्सो विथ ए मिनिमम ओनली प्रीमियम अमाउंट, मुझे उसमें मार्जिन भी देने की जरूरत नहीं है, और जब हम फ्यूचर में हेज हैं और हम ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो हमें वहां बेनिफिट भी मार्जिन का मिलता है, तो दैट इज ऑल्सो ए पॉजिटिव थिंग।
इवन गोआरएक्स, और जब आप अंडरलाइंग के अंदर में भी बीच में ट्रेड करते हैं, दोनों साथ में पोजीशंस रखते हैं, तो उसके अंदर भी क्रॉस मार्जिन बेनिफिट बहुत ही जल्दी आ जाएगा, जहां कि हमें 50% ही मार्जिन लगेगा। ओके ओके ओके, ये काफी अच्छा बेनिफिट है, जहां से ये थोड़ा सा नुकसान से, जो इस समय पर वोलेटिलिटी है और जो इस समय पर सिनेरियो है, उस नुकसान से बचा जाया जा सकता है। अंत में मैं एक बार फिर से प्रीतेश जी के पास चलूंगा। प्रीतेश जी, काफी डिटेल में अभी अजय जी ने ये बताया कि किस तरीके से कॉरपोरेट्स हैं, फार्मर्स हैं, एफपीओज हैं, ट्रेडर्स हैं, और जो डेटा रिग्स का है उसका कैसे बेनिफिट लिया जा सकता है, और जब डेटा आता है तो उस समय पर आप कैसे स्ट्रेटेजीज बना करके और मंडे की अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन खास तौर के ऊपर, चाहे कोई भी कम्युनिटी है, चाहे वो ट्रेडर्स की कम्युनिटी है, फार्मर्स की कम्युनिटी है, एफपीओज हैं या कॉरपोरेट्स हैं, वो किस तरीके से हेजिंग टूल्स को यूज कर सकते हैं, एक बड़े रिस्क से बच सकते हैं, नुकसान से बच सकते हैं, साथ ही ऑप्शन टूल्स का कैसे यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, इसमें आप क्या ऐड करना चाहेंगे, और आपको क्या लगता है यहाँ पर इन दोनों में से अगर चलना चाहें, चाहे वो ऑप्शन टूल्स हैं या हेजिंग टूल्स है, तो क्या बेहतरीन? सर? ऑलरेडी अजय सर ने बहुत ही डिटेल में बताया कि ऑप्शंस को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। जी स्पेसिफिकली हेजर्स की बात करें, अगर मैं ग्वार गम की मिल चला रहा हूँ और मुझे सीड मेरा इनपुट है और मैं सीड लेता हूँ, तो अब मैं फ्यूचर्स में लेता हूँ तो हमेशा वहाँ ये रहता है कि प्राइसेस डाउनवर्ड गए तो मेरे को वो प्राइसेस वहाँ लॉस हो सकता है। ऑल दो हेजिंग में लॉस राइट नहीं होता है, बट वहाँ से बेटर ये है कि अगर हम उसकी जगह पे ऑप्शंस ले ले तो मैं और बेटर एक पैरिटी बना सकता हूँ उसी चीज़ से, विथ लेस रिस्क। अगर क्योंकि अगर मेरा आउट डाउनवर्ड अगर मार्केट चला भी जाता है तो मेरा मिनिमम सा रिस्क रहेगा सिर्फ एक प्रीमियम का। उसी तरीके से सीड सीड में इस तरह से कर, बाकी ट्रेडिंग कम्युनिटी भी इस तरीके से काम कर सकते हैं कि अगर उनको जिस तरह से भी डायरेक्शन लग रहा है उस हिसाब से कॉल या पुट में वो अपनी पोजीशंस लेकर के अपने को हेज करके वो कर सकते हैं। सो दिस इज वन थिंग। अब अगर कोई फिजिकल का प्लेयर है तो उसके लिए ऑप्शन जरूर ज़्यादा अट्रैक्टिव रहता है, दैट इज वन थिंग। हाँ, किसी के पास सीड और गम दोनों है और वो साथ में हेज करना चाहता है तो उसके लिए गुआरे से बहुत अच्छा टूल है, जहाँ की वो दोनों एक साथ ही हेज कर पाएगा, उसको दो अलग कॉन्ट्रैक्ट्स में नहीं जाना पड़ेगा, तो वहां वो कर सकता है। एंड ट्रेडर जिसको ट्रेडिंग ही करनी है एंड फिजिकल नहीं करना है तो उसके लिए अच्छा रहेगा कि वो गोरेक्स में करे, जहां उसको मार्जिन भी कम है, डिलीवरी का भी थ्रेट नहीं है और ओवरऑल उसको कॉस्टिंग भी कम पड़ेगी। ओवरऑल उसको कॉस्टिंग भी कम पड़ेगी। जी, यस बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि मुझे लगता है कि ट्रेडर्स को इससे काफी जानकारी मिली होगी। आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक बिग ब्लेस, बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।